वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? होप्स हो कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी टाइम हो गया है सुबह का 11 बज रहा है। आज हम लोग का उठना थोड़ा लेट हुआ, हम लोग सब सो रहे थे, आज छुट्टी था। और अभी देखो मैं क्या बना रही हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो मैं क्या बना रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ चिकन एंड चावल। जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि और भी मुझे बहुत सारा काम है, कुछ घर का अरेंजमेंट इधर उधर कर रही हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखो गाइस ये क्या कर रही हूँ मैं, ये जो दीवान आप देख रहे हो खुला हुआ है, इसको मैं डालूँगी हॉल में। और क्यों डाल रही हूँ, क्या रीज़न है, हॉल में तो ऐसे लिविंग रूम में दीवान रहता नहीं है। मैं ये इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। ये भसड़ आप देख सकते हो। ये देखो गाइस भैया लोग आ गए हैं जो दीवान वगैरह खोल के शिफ्ट करेंगे, तो अभी बस वो अपना काम कर रहे हैं। राहुल तब तुम उधर से निकाल लो दीवान से, दीवान का मोड़ना उड़ना होगा ना, सोफा पे डाल दो सारा कुछ। ये देखो घर का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, कितना मेहनत लगता है ना राहुल, या अंदर में बाहुबली जी और रे बाहुबली, और उठा जोड़ से इसी में होगा। ऐसे तो खाली करना होगा ना, वो लोग खड़ा करके दीवान निकालेंगे ना। बाहर तो हो जाएगा भैया, इस सोफा पे दम थोड़ो है। अब इसको राहुल उसमें भी कुछ है, अच्छा अच्छा वही है राहुल, वही है जो बोल रहा था, फ्लिपकार्ट से नहीं बोले थे मंगाए थे, इसमें नहीं उसी में है वो, आई डोंट नो कुछ ना कुछ तो होगा। ये क्या है राहुल? अच्छा ओनर का कॉल बेल, तो ये अपना लगा हुआ है। नहीं रख, अरे कांच का है, नोटी को देखो क्या हो गया। किसको फोन कर रहा हूँ? हेलो, आप वो क्या साइड पे सर? तो मेरा ना सचिन करके मेरा टीम का बंदा है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा घर का कल काफ़ी अरेंजमेंट मैंने दिखाया, तो जैसा मैंने चेंज कराया है, अब क्यों कराया ये रीज़न मैं आपको बताऊंगी। तो बस ऑलमोस्ट हो गया, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई तो थोड़ा वीडियो शूट ऐसा नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई, बट अभी मैं आपको अरेंजमेंट दिखाती हूँ कि फिलहाल अभी कैसा है। मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं सड़ जाया अभी, मतलब लाइक
बहुत सुंदर है, बस अभी बस कर दिया है, अब करूँगी आगे दिखाती हूँ आपसे। तो ये देखो गाइज, यहाँ पे मैंने ये बेड को पूरा सेट किया है, अभी बहुत सुंदर सजाया वजाया नहीं है। देखो यहाँ पे मेरा, आप देख रहे हो कि प्लांटर्स भी नहीं है, सारे मैंने धूप में रखा बिकॉज ऑफ मानसून की थोड़ा मतलब हवा लगे, थोड़ा बहुत जो धूप निकलता है वो लगे। तो इधर भी सारा प्लांटर्स अभी सेट करना है, तो बस मैंने अभी दीवान को निकाल के यहाँ रखा है। क्यों रखा है ये, इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी। एंड इस रूम में अभी भी मैंने सरियाया नहीं है, छोटा दीवान इधर डाला एंड वन सोफ़ा 3-seater 2-seater। तो ये बस मैंने अभी अरेंजमेंट किया, जब अच्छे से सजाऊंगी तो मैं एक ब्लॉग लेके आऊंगी इसके लिए अलग से। तो गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल एंड लाइक माई वीडियो, हो सके उतना शेयर कीजिएगा। एंड मिलती हूँ गाइज मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।